एम ए इतिहास तृतीय सेमेस्टर, आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से 1975 तक। और मैं हूँ विकास टेकरे, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। और हम न केवल सामान्य रूप से आंसर की बात करेंगे बल्कि फुल एनालिसिस भी करेंगे, ताकि अगर ये 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे जाते हैं तो आपके पास बताने के लिए, लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। और इसके 2 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये ऑब्जेक्टिव का 3रा भाग है। अगर आप 2 वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की एमए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही एमए के 3rd सेमेस्टर से जुड़े बहुत सारे वीडियोस भी आप देख पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए पहला प्रश्न बनता है, 1878 ईस्वी के अकाल आयोग के अध्यक्ष थे रिचर्ड स्ट्रेची। 1876 से 78 के बीच में भीषण अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन ने फिर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। इसके बाद में हम देखते हैं लॉर्ड लिटन का कार्यकाल। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो रहता है वह 1876 से 1880 के मध्य रहता है, और हम यहाँ पर इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखने वाले हैं। इन घटनाओं से बनने वाले प्रश्न आपको 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव से लेकर बड़े प्रश्नों तक काम आएंगे, क्योंकि अगर पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि लॉर्ड लिटन की अकाल नीति बताइए, तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आपको राज उपाधि अधिनियम के बारे में पता रहेगा, या आप तभी बता पाएंगे जब आपको स्ट्रेची आयोग के बारे में पता रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये आप तब बता पाएंगे जब आपको ये पता रहेगा कि अकाल आया कब था। तो इस तरह से ये फैक्ट न केवल आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में काम आएंगे बल्कि सभी प्रश्नों के लिए ये काम के हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से देखें। राज उपाधि अधिनियम, लिटन द्वारा इसे 1876 में लाया गया, और 1876 से 78 के बीच जब भारत में भीषण अकाल था तब ये महाशय 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे थे, और उस दिल्ली दरबार में इन्होंने इस राज उपाधि अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी यानी कि भारत की रानी घोषित कर दिया। साथ में इन्होंने भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया मार्च 1878 में। सामान्य रूप में इसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। इस प्रेस एक्ट में कहा गया था कि जो अंग्रेजी भाषा को छोड़कर जितने भी समाचार पत्र हैं उन पर बहुत ज़्यादा इन्होंने नियम लागू कर दिए और एक प्रकार से उन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब केवल अंग्रेजी समाचार पत्र ही छप सकते थे, और बहुत सारे इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए जिसके कारण जो समाचार पत्र थे वो एक प्रकार से केवल अंग्रेजों के लिए रह गए, भारतीयों के लिए नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 पारित किया। इसमें कहा गया कि शस्त्र धारण करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, और लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन कर दी। फिर आ गया वैधानिक सिविल सर्विसेज योजना। दोस्तों, 1878-79 में इन्होंने इसे पारित किया। भारत में अगर किसी व्यक्ति को सिविल सर्विस में जाना होता था, किसी को सिविल सर्वेंट बनना होता था, तो उसे लंदन जाकर पेपर देना होता था, और पहले जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, तो इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। अब 19 वर्ष की उम्र में लंदन जाकर पेपर देना बहुत कठिन बात हो गई थी, और सिविल सर्विस एक बहुत ही जटिल समस्या बन गई थी कि इसे कोई पास कर पाए। वित्तीय सुधार की बात करें तो इन्होंने अपने जो इनकी जो कमेटी थी उसके वित्त सचिव जो थे सर जॉन स्ट्रेची, इनके अध्यक्षता में स्ट्रेची का मिशन बनाया जो कि वित्त सुधार के लिए कार्य कर रहा था। आबाद व्यापार की नीति, तो इन्होंने आबाद व्यापार की नीति 1877 में लागू की, और इनके समय में 1876 से 78 ईस्वी में एक भीषण अकाल भी पड़ता है। देश का पहला इस्पात कारखाना, एक फैक्ट और एक क्वेश्चन आपके सामने। देश का पहला इस्पात कारखाना 1907 में खुला जमशेदपुर में, और जमशेद जी टाटा ने इसे बनवाया था या फिर उसके संस्थापक थे। दोस्तों, आपको इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले बार देश का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था ये पूछ लिया गया था हमारे कॉलेज में
तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में हम आते हैं 28वें प्रश्न में, और लिटन के बाद में जस्ट आते हैं लॉर्ड रिपन, 1880 से 1884। लॉर्ड लिटन कब आए थे? तो वो आए थे 1876 से 1880, 4 साल के लिए, और फिर ये आते हैं 1880 से 84। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को इन्होंने शुरू किया, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन लाया। स्थानीय स्वशासन क्या था? यानी कि जो स्थानीय क्षेत्र है उन्हें उनका शासन करने दिया जाए, ये स्थानीय स्वशासन था। इसके तहत ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, तहसील, तालुका, ऐसे चीज़ों का निर्माण किया गया, और जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें अधिकार ज़्यादा दिए गए। इल्बर्ट बिल इनके समय पर आया। सर पीसी इल्बर्ट जो कि इनके विधि सलाहकार थे, उन्होंने इल्बर्ट बिल लाया और इनके नाम पर ही इसे इल्बर्ट बिल कहा गया। 2 फरवरी 1883 को लाया गया। इल्बर्ट बिल क्या था? इल्बर्ट बिल में कहा गया कि अब भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज़ों के मुकदमे सुन सकेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, और अंग्रेज़ लोगों ने कहा कि क्या अब ये काले कलूटे लोग हमारा फैसला करेंगे? क्या अब ये हमें सज़ा सुनाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो ये होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य ही, अंग्रेज़ साम्राज्य ही भारत से समाप्त हो जाए। उन्होंने इसे इतना ज़्यादा ईगो में ले लिया कि इसे आगे जाकर समाप्त करना पड़ा। लेकिन इल्बर्ट विल की जो घटना थी उसने भारतीय क्रांतिकारी या फिर भारतीय जनमानस के मन में एक ऐसी चिंगारी जला दी जिसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर लिया। इसके बाद में हंटर शिक्षा आयोग आया। तो हंटर शिक्षा आयोग जो आया 1882 में आया, और इसने भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य किए, और ये कुल मिलाकर 1854 में बने बुड डिस्पैच के रिव्यू के लिए बना एक आयोग था। इसके बाद में बंगाल टेनेंसी एक्ट आया। बंगाल में जो कर सुधार किए उसे बंगाल टेनेंसी एक्ट कहा गया, जो रिपन के महत्वपूर्ण सुधारों में एक महत्वपूर्ण सुधार था कि लिटन ने जो हरकत की थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू करने की, उसे समाप्त करने का काम किया यहाँ पर लॉर्ड रिपन ने। साथ ही लॉर्ड रिपन ने सिविल सर्विस में जाने की उम्र को 19 से वापस 21 कर दी थी, और इनके समय में प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 आया था, और इसमें कहा गया था कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को औद्योगिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता, और समय का निर्धारण भी यहाँ पर किया गया था। लेकिन इस फैक्ट्री एक्ट में जो पुरुष थे उनके लिए ज़्यादा प्रावधान नहीं किया गया था, और आर्थिक विकेंद्रीकरण का कार्य भी इन्होंने किया। स्वाभाविक सी बात है कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में जो निम्न सबसे नीचा फॉर्म होता है, जो सबसे किसी भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है, वहाँ पर शक्ति प्रदान करने का काम किया जाता है स्थानीय स्वशासन में। तो यहाँ पर उन्होंने धन का बंटवारा भी किया कि वो अब तक टैक्स कलेक्शन कर सकेंगे, कर संग्रह कर सकेंगे और उसे अपने विकास में खर्च करेंगे। तो इन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण करने का काम किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की थी, तो वो यही महाशय थे लॉर्ड रिपन। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कृषक आंदोलन से जुड़े कुछ फैक्ट हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, और अगर 5 नंबर में प्रश्न आता है कि कृषक आंदोलन के बारे में बताइए, तब भी आप इन्हें लिख सकते हैं। यहाँ पर आता है संथाल विद्रोह। 1873 में संथाल विद्रोह होता है, और नील आंदोलन 1859 से 61 के बीच में होता है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, इनके सन आप अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों जो बारदोली सत्याग्रह था यह 1920 में भी हुआ था, लेकिन 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया, तो उसके साथ में यह भी रद्द हो गया था। लेकिन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इसे फिर से शुरू किया गया, और बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और बात करें चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह की, तो इनका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। और नील आंदोलन की बात करें तो नील आंदोलन से जुड़ा एक फैक्ट आता है कि नील आंदोलन की जानकारी नील दर्पण नाम का एक उपन्यास इस पर लिखा गया दीन बंधु मिश्र द्वारा, और साथ ही जो आनंद मठ है
उसमें भी नील आंदोलन के बारे में हमें जिक्र मिलता है। इसके बाद में हम आदिवासी आंदोलन देखते हैं। तो आदिवासी आंदोलन में जो प्रमुख आंदोलन थे आधुनिक भारत के 1858 से 1950 के बीच के, उनमें आता है रामप्पा विद्रोह 1879 से 80 के बीच में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में, और भील विद्रोह 1913 में हुआ था। भील विद्रोह क्या था? तो भील विद्रोह यानी कि जो राजस्थान में भील ट्राइब है, उन्होंने अपने स्वतंत्र क्षेत्र की मांग को लेकर एक आंदोलन कर दिया था, एक हिंसक आंदोलन कर दिया था, जो कि बाद में दावा दिया गया, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली आंदोलन रहा, इसे भील आंदोलन कहा गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि 29वां प्रश्न आता है, कांग्रेस राजद्रोह अथवा विद्रोह का पौधगल नहीं है, बल्कि सरकार की स्थिरता की नींव में एक अतिरिक्त पत्थर है। यह किसका कथन है? तो यह दादा भाई नौरोजी का कथन है। इस प्रकार के कथन न केवल ऑब्जेक्टिव में आते हैं, बल्कि अगर आप इन्हें सही से याद कर लेते हैं तो आप 5 नंबर के प्रश्नों या बड़े प्रश्नों में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए, प्रत्येक देश के इतिहास में एक ऐसा समय आता है जब प्रशासनिक व्यवस्था को पूर्णतया टुकड़े टुकड़े करके समय के अनुकूल उसकी कायापलट और पुनर्गठन करना आवश्यक हो जाता है। यह बात लॉर्ड कर्जन ने कही, और लॉर्ड कर्जन ने यह बात इसलिए कही क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा उथल पुथल जिसके समय में हुई वह लॉर्ड कर्जन ही था। सबसे ज़्यादा आयोग इसके टाइम पीरियड में हुए, सबसे ज़्यादा रेलों का विकास इसके समय में हुआ, पुलिस का विकास इसके समय में हुआ, सैनिक सुधार इसके समय में हुए, बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लॉर्ड कर्जन के समय में हुए, और बंगाल विभाजन करके इसने एक आग लगाने का काम भी किया। फूट डालो और राज्य करो की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था, और बंगाल विभाजन में यह स्पष्ट रूप से नजर आती है। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वंद शासन लागू किया गया? तो 1919 ईस्वी के शासन द्वारा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा द्वैध शासन लागू करने का प्रयास किया गया था। और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। दोस्तों 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो मद्रास यानी कि मद्रास के चेन्नई में पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई, जो कि सीपीओ पर आधारित था, और 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में पहले सफल कारखाने की स्थापना की गई। इसके बाद 1914 में कटनी मध्य प्रदेश में कटनी सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंपनी ने, तथा 1916 में बूंदी पोर्टलैंड सीमेंट कंपनी लखेरी राजस्थान में सीमेंट उत्पादन प्रारंभ किया गया। यह प्रश्न हमारे कॉलेज के एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। दोस्तों इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो यहाँ पर यह कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ, और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। किसने कहा था, रिपन भारत के प्रख्यात गवर्नर जनरलों में सबसे महान व प्रिय था? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले और महामना मदन मोहन मालवीय जी। यहाँ पर किसने इस कथन को कहा रिपन के विषय में, यह आपको बताना है, और उम्मीद करूँगा आप ईमानदारी से इसका जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे दे देंगे। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, लियोनार्डो दा विंची कहते हैं, अनुप्रयोग से लोहे में जंग लग जाती है, स्थिर पानी अपनी शुद्धता खो देते हैं, ऐसे ही निष्क्रिय मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है, ऐसे ही निष्क्रियता मस्तिष्क की ताकत सोख लेती है। यानी कि हमेशा निरंतर चलते रहिए, बहते रहिए, अपने दिमाग को काम में लगाते रहिए, वरना आप स्थिर हो गए तो आप अपनी निष्क्रियता खो बैठेंगे। फिर मिलेंगे अपने ही अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।